फिर फ्रीलांसर पे अकाउंट बना लिया, समझ में नहीं आया बंद किया, चल दिए। कुछ ऐसे बाद फाइवर वाले की स्टोरी पढ़ ली, फाइवर के बारे में देख लिया फेसबुक पे, फाइवर पे चल पड़े, वहां समझ में नहीं आया ऑर्डर नहीं मिले, वहां से भी चलो जी दिल खराब हो गया, गुरु पे चल पड़े। क्या तमाशा है, मजाक हो रहा है, अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हो। इससे बेहतर है जाके कहीं जगह पे फिर जॉब कर लो, अगर फ्रीलांसिंग में इस तरह से काम नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग में इस तरह काम करने के लिए नहीं होता, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई काम कर रहा है और बड़े टॉप टॉप रैंक कोडर्स वहां पे मौजूद हैं, गुरु पे हैं, हमारे पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स मौजूद है यार। हिशाम सर्वर को देख लो, वो जो है गुरु के ऊपर टॉप जो है ना, टॉप के अंदर से है। इसी तरह फाइवर के ऊपर आलियान है गालिबन कोई, उसको देख लो, freelancer.com से, वीवर से मैं मौजूद हूँ। हम लोगों के पास मेहनत है, हम लोगों के पास रोजाना करने वाली कंसिस्टेंसी थी जो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। हम लोगों के साथ भी शुरू में ये स्टोरीज नहीं है, अब परेशानी तो सबके साथ होती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले दिन से शुरू करके जो आप हाई स्टेज पे जाके पहुंचो। बहुत सारी चीजें जो गुजरना पड़ता है जिनसे, तो इस चीज के लिए तैयार होकर आओ। पहले वीडियोस बना चुका हूं मैं कि किस तरह से गुजरना पड़ता है, क्या कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं, और इस पर तो शायद मैं अब एक एक सीरीज मैंने तैयार की है, द डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग पर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। तो उसमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि क्या वाकई फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, कर सकते हो या नहीं। ये ठीक है फ्रीलांसिंग में पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर ये जरूरी नहीं कि सब के सब फ्रीलांसिंग करें। हो सकता है तुम जॉब में ज्यादा सेटिस्फाई हो सकता है तुम बिजनेस करने में ज्यादा हो, तुम्हारा माइंड बिजनेस सेट के सबसे ज्यादा हो, तो हो सकता है फ्रीलांसिंग के लिए हो। तो पहले ये भी देखना जरूरी है कि किस माइंड सेट के हो। ये तो ऐसे ही ना, मतलब अगर हर किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए कह दिया जाए तो लाजमी नहीं कि सबके साथ बिजनेस कर लेंगे, फिर नौकरियां कौन करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जिनका मिजाज ही नौकरी का है। फ्रीलांसिंग के अपने अप एंड डाउन होते हैं, इस लाइफ स्टाइल का मिजाज कुछ और है। खैर बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, तो मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ थोड़ा, कि देखो थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। अब बड़ा भाई समझो, उस्ताद समझो, दोस्त समझो, जो मर्जी समझो, लेकिन मेरा स्टाइल ऐसा ही है, तो पसंद आए ना आए ये मेरा मैटर नहीं है, इसको सीखो। देखो तुम्हारे साथ तुम्हारे दिन रात है, सुबह से लेके रात तक ना तुम्हें अपने लिए काम ढूंढना है, तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है, अगर शादीशुदा हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। और फ्रीलांसिंग कोई मजाक नहीं, थोड़ा इसमें टाइम लगता है बिल्डअप होने में, एस्टेब्लिश होने में, इसलिए अगर बैकअप नहीं है और तजुर्बों के मतलब कोई बैकअप नहीं है और डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में जंप लगा रहे हो, तो प्लीज ये तो मत करो, अपने को साइड पे काम करो, ऑप्शनल फ्रीलांसिंग पर कोशिश करो। और अगर ऐसा कुछ है मतलब फारिग हो, बिल्कुल यल्ले किस्म के इंसान हो और जी मम्मी डैडी हो और फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो भाई फिर तो आपके पास पैसा वैसा बहुत पड़ा होगा, आपको टेंशन क्या है, लगे रहो फिर जैसे करना है। बहरहाल तो जिस मर्जी प्लेटफॉर्म को पिक करो, अपनी मर्जी का लो और उस पे लग जाओ, उसके अंदर कितने घुस जाओ, उसके अंदर उसकी उस प्लेटफॉर्म के बारे में बेस्ट टेक्निक्स क्या होती हैं, बेस्ट तरीके क्या होते हैं, सक्सेसफुल लोग करते क्या हैं, वो आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे वो ऊपर जा रहे हैं, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुम नीचे जा रहे हो, फेल होने वाले फेल क्यों हो रहे हैं, कामयाब होने वाले कामयाब क्यों हो रहे हैं। जब तक फोकस नहीं करोगे, जब तक गहराई में नहीं जाओगे, जब तक उस चीज की पूरी ऊंच नीच नहीं समझोगे, उस प्लेटफॉर्म की तरीकों को नहीं समझोगे, तो कामयाब कैसे होगे। खाली इस बात से मतलब कि फाइवर पे गिग बना दी, फ्रीलांसर में बिट पोस्ट कर दी, हो सकता तुम्हारे तरीकों में गलती हो, किसी मेंटर से कोशिश की पूछने की, किसी टीचर को हायर किया, कहीं मतलब किसी एक्सपर्ट से पूछने की कोशिश की, नहीं थोड़ा बहुत फेसबुक में पोस्ट कर दिया, वहां से 10 किस्म के जवाब मिल गए, किसी ने दिया नहीं दिया। ओ भाई मेरी बात सुनो, जब कोई बीमार होता है ना, तो दो तरीके हैं हमारे, या तो टोट के चला लो देसी किस्म के, ठीक है, बड़े बूढ़ों से पूछ लो, लगा लो अपने ऊपर तजुर्बात करके, या उन लोगों से पूछो जो इस चीज के एक्सपर्ट हो और वो इस चीज का इलाज बता सकते हो, तरीका बता सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। हो सकता तुम्हारे फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग वगैरह जो कर रहे हो और जो कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे बहुत से तरीके खराब हो, ऐसे केसेस भी मेरे साथ गुजरे जो लोगों के उनके तरीके ही खराब थे, लगे पड़े हुए थे, लगे पड़े थे, वो समझ रहे जी कि यहां काम ही नहीं मिलता प्लेटफॉर्म पे, भाई अपनी गलती भी तो चेक करो ना, बात समझो। इसी तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये तो यार मतलब मशहूर के मशहूर प्लेटफॉर्म है, हर दूसरा तीसरा आके बताता है फ्रीलांसर फाइवर और गुरु, गूगल पे आके चेक किया करो फ्रीलांसर और इनके अल्टरनेटिव्स, कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स पड़े हुए हैं, कैसी कैसी साइट्स हैं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और इसके साथ मैं वीडियो ये खत्म करूंगा, और वह चीज है स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट हो
स्किल्स है ना, तो यकीन करो फ्रीलांसर फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म की तुम्हें जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी साइट जो मैं बता चुका है ऐसी है, जहां पर जाओगे जब लिखोगे फाइवर ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स एंड गुरु क्या कहते हैं फ्रीलांसर ऑल्टरनेटिव वेबसाइट, तो मिलेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स कि वहां आप एज अ डेवलपर डिजाइनर भी अगर आप जाते हो अपनी स्किल्स की बेस पे अपनी प्रोफाइल बनाओगे, वो टेस्ट लेंगे टॉप 5% 10% ये जिसमें भी आते हो, देन वो आपको सिलेक्ट करके आगे कनेक्ट करवाते हैं और हाई पेइंग क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट होते हैं। वो बच्चे नहीं बैठे हुए होते हैं ना बच्चे क्लाइंट्स आते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं खेलने के, लाजमी नहीं आप एक ही सड़क से जाओ एक मंजिल तक पहुंचना है फ्रीडम लाइफ स्टाइल में या अपनी मर्जी से काम करना है क्लाइंट के साथ, तो एक सड़क नहीं जाती, बहुत सारी सड़क जा सकती है, ये आपकी च्वाइस है किस सड़क से अपना इंतखाब करो। और मार्केट से अलग होंगी तो रेट का मुख्तलिफ किस्म के अंदाज होंगे, फाइवर पे रहोगे तो $5 से स्टार्ट करोगे और फिर अपग्रेड करते जाओगे, फिर सीधे फ्रीलांसर गुरु वगैरह होंगे तो शुरू में रिव्यूज नहीं होते, प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता, तो इट ऑल डिपेंड्स, टाइम लगता है, मेहनत करनी होगी, लेकिन ये तुम्हें करना है, रोज करना है, इसको समझ लो, इसको अपने पल्लू से बांध के रख लो। और मैं क्या बोलूं, बस आज के लिए इतना काफी है, डांटने का मूड नहीं है, अगर ज्यादा मेरी डांट लग गई है बुरी लग गई है तो सॉरी भाई, लेकिन नहीं सीखो समझोगे तो यार देखो सीधी सीधी बात है, तुम्हारे घर के खर्चे चलाने, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे बाहर से कोई नहीं आने वाला, तुमने खुद करना है क्योंकि तुम इस लाइफ स्टाइल को पिक करने आ रहे हो जो फ्रीलांसिंग है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल सोलो लाइफ स्टाइल, वो बात की बात है कि तुम उससे अपनी कंपनी बनाओ या एंटरप्रेन्योर बनो या कुछ भी करो, बट दिस इज द ट्रूथ, समझ लो, काफी है, अपना ख्याल रखना, मैं था निशान अरशद, चैनल सब्सक्राइब करो ना करो मर्जी है, करोगे तो अपना फायदा होगा, नहीं करते तो मेरा क्या है, अल्लाह हाफिज़।